नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंबेडकर क्लासिक में। आज हम आपको हरियाणा करंट अफेयर अप्रैल मंथ की करवाने जा रहे हैं। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है आईपीएल 2021, आईपीएल 2021, ठीक है, जो कि हरियाणा के, इसमें कितने खिलाड़ी जाएंगे, 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं। जो हरियाणा का जो आईपीएल 2021 हुआ ना, उसमें कितने खेलेंगे, 7 खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है। और युजवेंद्र चहल हो गया, युजवेंद्र चहल, ठीक है। एक हो गया नवदीप सैनी, ठीक है, ये करनाल से हो गया, और ये जींद से हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान पहला बनेगा, कहाँ बनेगा, अम्बाड़ा में, ठीक है, अम्बाड़ा में बनेगा। और अम्बाड़ा को क्या बोलते हैं, एक मिक्सी सिटी बोलते हैं और साइंस सिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज कर दिया गया है, ठीक है, यही सब नहीं, याद रखना। और इसको आमों की सिटी बोलते हैं, आम सबसे ज़्यादा रहता है, और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा पंचकूला में होती है, और दूसरे नंबर पर अम्बाड़ा में होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच खेला गया है, खेला चुका है सऊदी अरब, ठीक है। इसके मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय, महिला T20, ये पहले पिछली वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन करवा दिया है, जो खेला जा चुका है, कहाँ खेला जा चुका है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी याद कर लेना। तो मैच खेला जा चुका है, वो कौन सा है, पंचकुला में है, ठीक है, याद करना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला भवन कहाँ बनेगा, पंचकुला में बनेगा, कहाँ बनेगा, पंचकुला में, आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला भवन, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद जो पंचकुला है, उत्तर पूर्व हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, और इसको सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है, और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे है, ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। और पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, और खोले रेतान वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे हैं, और झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, ठीक है, यही साथ में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया पीपली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। जो पीपली है ना, जो कि कुरुक्षेत्र है, और पीपली एक चिड़ियाघर भी है यहाँ पे, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र का एरिया है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में तैयार किया जा रहा है, किसको, पीपली को, जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्मेंद्री बोलते हैं, ठीक है, यही सब में याद कर लेना। उसके बाद आ गया, और बताते हैं हमको पिपली के बारे में, जो काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, काला तीतर प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये है पिपली में, ठीक है। उसके बाद काला तीतर की जन्मस्थली किसको बोलते हैं, सिरसा को, ठीक है। और काला तीतर सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, जो कि अबूबशेर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पे है वो, कहाँ का है, अभी यहाँ का सिरसा का है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं काला तीतर, ठीक है, ये भी सब में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया पोषण हरियाणा योजना, पोषण हरियाणा योजना, ठीक है, जिसको मैं, इसमें क्या होगा, कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें पोषित किया जाएगा, मतलब कि जिनके कुपोषित बच्चों को खोजकर क्या किया जाएगा, उनको पोषण किया, पोषित किया जाएगा। ऐसी योजना किसके लिए चलाएगी, बच्चों के लिए चलाएगी, कुपोषित बच्चों के लिए, ठीक है, पोषण हरियाणा योजना चलाई गई है, ठीक है, ये याद करना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ फ्री पासपोर्ट दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको उसके साथ जो उसकी डिग्री होगी उसके साथ फ्री क्या दिया जाएगा, पासपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, पासपोर्ट दिया जाएगा, यही सब में याद कर लेना। उसके बाद आ गया अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 तक 24 घंटे लाइट पहुंच चुकी है, जिसमें योजना है हमारा गांव जगमग गांव,
के अंतर्गत 5,270 गांव में लाइट पहुंच चुकी है, ठीक है। और योजना मारा गांव जगमग गांव जो कि एक प्रैल, मारा गांव जगमग गांव, ठीक है, 1 अप्रैल, सॉरी 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई 2015 को आई थी ये योजना, ठीक है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? कुरुक्षेत्र से हुई थी, ठीक है, यही सब हमें याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान ये अभी जो पेपर हुआ था SBSSI का, उसमें आया था ऑपरेशन मुस्कान। कब आया था, मतलब मुस्कान पूछा गया था कब आया, 2015 में ये भी, ठीक है, जो कि 1 जुलाई को ये भी, ठीक है, यही सब हमें याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जापान की सहायता से कहाँ बन रहा है? फतेहाबाद में। क्या बन रहा है? सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जापान की सहायता से कहाँ बनाया जा रहा है? फतेहाबाद पपैया पार्क में, ठीक है, यही सब में याद कर लेना। उसके बाद आगे हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत बने, धनपत राय बने हैं, ठीक है। कौन? हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये नए बने हैं, तो ये याद कर लेना। उसके बाद आ गया 10 क्लोन तैयार करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है, किसने किया है? 10 क्लोन तैयार करने के रूप में, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार ने, केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार, ठीक है, हिसार में। उसके बाद केंद्रीय भेड़ अनुसंधान प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पे है? हिसार में है, ठीक है, यही सब में याद करना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 किसको घोषित किया गया? त्रावेणी को, त्रावेणी को, जो कि कहाँ है? करनाल में, ठीक है, करनाल में है। और सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो करनाल की बात आ रही है, त्रावड़ी की बात आ रही है, तो करनाल में 3 युद्ध हुए थे, 1191, 1192, 1215, ठीक है। 1191 का पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और 1192 का किसने जीता था? मोहम्मद गौर ने जीता था, और 1215 वाला किसने जीता था? इल्तुतमिश ने जीता था, तो ये भी जात में याद करना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि हरियाणा के 17वें राज्यपाल हैं। उनके जीवन पर, आधारित एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है राजगीर से राजभवन, ठीक है, बुक लिखी गई इनके जीवन पर, सत्यदेव नारायण आर्य जो कि 17वें राज्यपाल है हमारे हरियाणा के, तो उनके जीवन पर क्या लिखी गई है? राजगीर से राजभवन बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? गुरप्रीत सिंह ने लिखी है, ठीक है, गुरप्रीत सिंह ने लिखी है इनके जीवन पर एक बुक, ठीक है, ये भी सब याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मनु भाकर, जो कि गोरिया गांव जज्जर से हैं, इन्होंने 3 इवेंट में प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है, यही सब याद कर लेना। उसके बाद आ गया HIV से पीड़ित लोगों को, HIV से जो पीड़ित लोग है ना, ठीक है, इस वायरस से, बीमारी से पीड़ित लोग, उनको महीना प्रति माह कितना दिया जाएगा? 2225 रुपये दिए, 50 रुपये, 2250 रुपये उनको प्रतिमा दिया जाएगा, ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मानेसर में 140 एकड़ सप्लाई केंद्र खोलेंगी, ठीक है, मानेसर में क्या खोलेंगे? 140 एकड़ सप्लाई खोलेंगे। कौन खोलेगा? फ्लिपकार्ट खोलेगा, फ्लिपकार्ट कहाँ पे? मानेसर, ठीक है, जो कि 11वां भी क्या बना है? नगर निगम बना है, और इसमें कितने गांव शामिल किए गए? 29 गांव में शामिल किए गए हैं, ठीक है, 2 नगर निगम हो गए गुरुग्राम के, ठीक है। उसके बाद ये बोल माने सर में 140 एकड़ सप्लाई केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है, ये कौन खोलेगा? फ्लिपकार्ट खोलेगा, ये भी सब नहीं याद करना। और इसके अलावा माउंटेन लो बच्चे ने अनीता कुंड ने झंडा फहराया, फिर वो इशारते हैं, ठीक है, अनीता कुंड ने क्या कर दिया? माउंटेन लो बच्चे
पहाड़ पर माउंटेन पर जाकर क्या किया, झंडा फहराया है भारत का अपना, ठीक है। तो वो कहाँ पे, कहाँ की है नीता कुंडू, ये हिसार की है, ठीक है, फरीदपुर गांव की है, ठीक है, ये या नहीं याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बना है, ठीक है। नई शिक्षा नीति आई है ना अभी, नवीन नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला महेंद्रगढ़ का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय, ठीक है, वो बना है, जिसको महेंद्रगढ़ को वो क्या बोलते हैं, कनौड़ बोलते हैं, ठीक है, यही सब याद कर लेना। और नई शिक्षा 2020 की नई शिक्षा पहला लागू करने वाला विश्व का, अपने भारत का, पूरे देश का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, महेंद्रगढ़ का है, ठीक है, यही आपने याद कर लेना। उसके बाद आ गया एक जिला एक हरित चैंपियनशिप, एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता है, वो जीता गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने, एक जिला एक हरित चैंपियनशिप किसने जीता है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने जीता है, जो कि हिसार में है और 1995 में बनी थी। चौधरी भजन लाल ने जी ने इन ने इनका उद्घाटन किया था, और पंचायती राज भी इन्हीं के टाइम में आया था। और बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है, ये भी आपने याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया हरियाणा इंजीनियर वर्कस, जो पोर्टल है मनोहर लाल खट्टर ने इनको लॉन्च किया है, हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है, यही सब नहीं याद कर लेना। उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड अंबाड़ा को दिया है, किसको दिया है, अंबाड़ा को, किसने, दामोदर नरेंद्र नाथ मोदी जी ने, नरेंद्र जी मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी, तो किसको दिया है, अंबाड़ा को, किसके, कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, ठीक है, से साथ में ये याद कर लेना। और इसके अलावा जो मुगल सराय स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके अलावा जो अम्बाड़ा का बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज कर दिया गया है। इसके अलावा मुंशी ने एक टावर का नाम था उसका नाम बदलकर अटल टावर कर दिया गया है। उसके अलावा मंगल और बृहस्पति बृहस्पति के बीच एक ग्रह है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जसराज कर दिया गया, पंडित जसराज कर दिया गया है, ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके बाद कालका शिमला हेरिटेज, कालका शिमला हेरिटेज पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी, दीप्ति, कालका शिमला हेरिटेज पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी, दीप्ति बनी है, ठीक है, साथ में ये भी याद करना। उसके बाद रेवाड़ी के मजरा गांव में एम्स बनेगा, क्या बनेगा, एम्स, ठीक है, कहाँ पे, रेवाड़ी के मजरा गांव में, ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके बाद आ गया जो कि HAU के नए कुलपति कौन बनेंगे, कौन बने हैं, HAU के मतलब कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, हिसार में है, ठीक है। और इनके जो नए कौन बने हैं कुलपति, डॉक्टर बलदेव राज, कंबोज, जिनका संबंध कहाँ से है, करनाल से है, ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके अलावा जो दीप्ति है ना, जो कालका शिमला हेरिटेज की जो पहली महिला ड्राइवर है, उनका संबंध छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। उसके बाद आ गया विनेश फोगाट और अनु मलिक ने एशिया कुश्ती स्वर्ण, एशिया कुश्ती में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, किसने, एशिया कुश्ती में, ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, तो अपने करंट अफेयर तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी आप, मैं एक जिला करवाता हूँ जिसके 10-5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट दे भी करूंगा। तो यमुनानगर के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था और इसको पेपर सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आदि बद्री मंदिर है,
ठीक है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा सुनील दत्त का संबंध यहीं पे है, यहीं से है। ठीक है, उसके बाद कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य यहीं पे है। कपाल मोचन गुरुद्वारा यहीं पे है। पंचमुखी हनुमान मंदिर यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा जो तैजे वाला विराजगढ़ वहीं, ये भी यहीं पे है। ठीक है, यहाँ से यमुना नदी एंट्री करती है। और ये यमुना नदी है वो क्या है, हरियाणा और यूपी के बीच में है। ठीक है, यही सब नहीं याद करना, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इम्पोर्टेंट डे करवाते हैं। तो सबसे पहले है 1 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 1 अप्रैल को कहते हैं मूर्ख दिवस होता है। इसके अलावा उड़ीसा स्थापना दिवस होता है। ठीक है, और 7 अप्रैल, उसके बाद 7 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसके अलावा 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल को वैसाखी होती है। और इसके अलावा क्या होता है, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जो कि 1919 में क्या आया था, रोलर टकराया था। इसके विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे एक जगह पे। तो हंसराज, लाला हंसराज था, उसने जनरल रायडर को बता दिया, जो बता दिया कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जनरल रायडर ने वहाँ के गोली करवा दी, जिसके कारण सभी को मरवा दिया गया था। ठीक है, तो ये कब आया था, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे ये कांड हुआ था। ठीक है, तो इनके रूप में 13 अप्रैल मनाया जाता है, तो ये ले हमारे लिए एक शोक दिवस भी है। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 15 अप्रैल। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म है 15 अप्रैल। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। ठीक है, उसके बाद 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। उसके बाद आ गया 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके बाद आ गया 23 अप्रैल तेईस अप्रैल को क्या होता है, विश्व पुस्तक दिवस होता है, पुस्तक दिवस। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। उसके बाद आ गया 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या होता है, विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। उसके बाद आ गया 29 अप्रैल। ठीक है, विश्व नृत्य दिवस। ठीक है, यही सब में याद करना। तो आज का यही टॉपिक था। तो धन्यवाद, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।